नमस्कार, मैं हसन रजा और आप देख रहे हैं देश में सबसे तेजी के साथ बढ़ता न्यूज चैनल टीवी इंडिया 18 में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं सिरोही गोसपुर क्षेत्र से जुड़ी ताजा खबर पर। बाराबंकी तहसील सिरोही गोसपुर क्षेत्र के हाजी वारिस अली शाह मेमोरियल पीजी कॉलेज में एमए क्लास का उद्घाटन करने के लिए रामनगर विधायक फरीद महफूज किदवाई और सपा के साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप और ब्लॉक प्रमुख तहसील सिरोही गोसपुर रेणु वर्मा ने हाजी वारिस अली शाह मेमोरियल पीजी कॉलेज में एमए क्लास का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में क्षेत्रीय सभी समाजसेवी व नेतागण मौजूद थे, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने सभी को ढेर सारी बधाइयां दी और कहा कि इस कॉलेज को मेरी ईश्वर से दुआ है कि रातों दिन खूब फले फले। इस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि बच्चे आगे चलकर अपने भविष्य में खूब तरक्की करें। अरविंद सिंह गोप ने समाजसेवी अध्यक्ष हाजी वारिस अली शाह मेमोरियल पीजी कॉलेज के समाजसेवी इंतखाब आलम नोमानी को ढेर सारी बधाइयां दी। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद रहे रामनगर विधायक फरीद महफूज किदवाई, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप, सपा जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद, तेज तर्रार ब्लॉक प्रमुख रेणु वर्मा, सिरोही गोसपुर समाजसेवी भी अध्यक्ष हाजी वारिस अली शाह मेमोरियल पीजी कॉलेज के इंतखाब आलम नोमानी, प्रधान अकरम अंसारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मौलाना असलम, जिला पंचायत सदस्य विजय कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य साइन शाह, मेला रायगंज, रवि वर्मा, अजमल अंसारी, फरीद अंसारी आदि लोग मौजूद थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने क्या कहा, देखें हमारे टीम इंडिया 18 की खास रिपोर्ट में। तो बने रहिए और देखते रहिए आज की कुछ ताजा खबर सिर्फ और सिर्फ टीवी इंडिया 18 पर। नमस्कार, मैं हसन रजा और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन चैनल टीवी इंडिया 18। टीवी इंडिया 18 पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरोही गोसपुर क्षेत्र के हाजी वारिस अली शाह पीजी कॉलेज बरौलिया परिजात धाम पर। यहाँ पर उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रीय सचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले पूर्व कैबिनेट अरविंद सिंह गोप से ये जानना चाहूँगा कि किस संबंध में हाजी वारिस में पधारे हैं और यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, किस चीज़ का हुआ है। सबसे पहले टीवी इंडिया 18 में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये सर कि आप यहाँ पर आए हैं और आपके साथ ही यहाँ पर आए हैं। आप तो यहाँ हाजी वारिस अली शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज का जो कल का लोकार्पण और नोमानी साहब हमारे भाई भी हैं, हमारे बड़े अच्छे हैं, अक्सर यहाँ आया करते हैं। मैं आज नोमानी साहब इंतजार का भाई को ये बधाई देना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बहुत काम हो गया, ये इनका परिवार निरंतर इसमें काम करता रहता है। इतना बढ़िया डिग्री का लें, इतनी बढ़िया पढ़ाई, इतना अनुशासित पढ़ाई कम लोग देखें, उनको आज मुबारकबाद देता हूँ। देखते हैं हाजी वाजी श्री शाह मुबारकें, पूरी दुनिया में लोग यहाँ थे, बगल में पारजात ऐतिहासिक पारजात, ये कितना बढ़िया संयोग है कि भाईचारा देख रहे हैं सारे लोग यहाँ देख रहे हैं। मैं इसको ढेर सारी बधाई देता हूँ। इसी तरीके से सब लोग पाँच मिले जवाहर के क्षेत्र में लोग यहाँ पे मिले हैं, बड़ा अच्छा लगा चुनाव के बाद। और यहाँ पर आप समझ लीजिए बाराबंकी क्षेत्र में आप लोगों की आंखों बता रहे हैं और यहाँ पर सपा की एक बहुत भरपूर जिम्मेदारी के साथ लोगों ने वोटिंग की और ये बहुत अच्छी यहाँ पर जीत हुई। ये हाजी वारिस अली शाह की दुआ है, महादेवा की दुआ को बता प्यार करते हैं। मैं ऊपर से यही दुआ करता हूँ, ये प्यार बना रहे, विश्वास बना रहे, हम इन लोगों का मानते हैं। और सर एक सवाल और है लास्ट आपसे कि इस वक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 की नोटें बंद कर दी। उससे पहले नोटबंदी हुई थी, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई थी और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि ये जो पीड़ा है या गरीबों को झेलनी पड़ेगी, इसके संबंध में क्या कहना चाहिए। पिछली बार नोटबंदी क्यों नहीं आते समझ नहीं आए। अब हम लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ का जवाब जनता समय पे देख रहा है। हमारा लक्ष्य है 24 में इतनी मेहनत की जाए जो बारेंकी सांसद नहीं जीत रहे, बारेंकी तो जीत रहे हैं, अगल बगल सांसद जीत रहे हैं और जो दिल्ली की हुकूमत बने बिना अखिलेश यादव का बने, दिल्ली हुकूमत से बड़ा उम्मीद है दिल्ली की समय पर। मैं पूरा भरोसा है कि अखिलेश जी की अगुवाई में सरकार दिल्ली में बहुत बहुत।